Good morning, dear students. Now today I am going to teach some problems based on property of triangle. As in this question, question number first, in the figure, if PQ parallel SR and PQ is perpendicular to RS, then angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. Then find the value of X and Y. So how could you solve this type of problem? So first, read the sentence very carefully. Read the statement, read the questions very carefully. PQ is parallel to SR. Yaha given. Here. Given. PQ is parallel to SR. कभी भी हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल लाइन, देन अ लाइन इज ट्रांसवर्सल. पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल क्या आ रही है हमारी, क्यू आर. यहाँ से कह सकते हैं क्यू आर इज ट्रांसवर्सल. अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा बन रहा है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है एक्स, और यहाँ भी हमारा क्या फॉर्म होगा, यक्स ही तो फॉर्म होगा. और ये कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो कह सकते हैं पी क्यू एस, पी क्यू एस वी हैव इज इक्वल टू क्यू एस आर, क्यू एस आर इज इक्वल टू एक्स अल्टरनेट इंटीरियर. ऐसा होगा. अब हम इस ट्रायंगल को रीड करते हैं, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल क्यू एस आर. क्यू आर टी इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल, क्यू आर टी इज एन एक्सटीरियर एंगल. एज यू नो डैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर्स. तो इसका अपोजिट इंटीरियर क्या है, 28 और x है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 65 है वह 28 प्लस x का क्या होगा, इक्वल होगा. अब हम 65 ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 निगेटिव 28. ये हमने अपना x फाइंड कर लिया, एक आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया. अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. y के लिए हम किस ट्रायंगल को रीड करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, हम इसको रीड करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 90 जो कौन सा एंगल है हमारा, P, एक क्या बन रहा था x और एक क्या बन रहा था y, इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री. ऐसा होगा ना पी क्यू एस. यहाँ से अगर देखना चाहो तो कह सकते हो एंगल पी क्यू मीन्स क्यू प्लस के, फिगर में देख सकते हैं. अब x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 37 आई थी. x कितना था, 37, तो ये हुआ 90 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री. वाई 180 डिग्री निगेटिव, दोनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 127. तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, वाई की 53 और एक्स कितना आया था हमारा, 37. तो हम यहाँ से अपने दोनों आंसर क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस. If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then show that angle QTR is equal to half of angle QPR. देखो दो वर्ड्स को हमेशा मैथ में याद रखना, bisector और intersect. कभी भी एंगल का इंटरसेक्ट हो और एंगल का bisector हो, या किसी लाइन का bisector हो किसी लाइन का intersector हो, bisector मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में क्या करना, उसको डिवाइड करना. और intersect में ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले हम questions को पढ़ के, जो यहाँ पे दिया गया है प्रॉब्लम, इसे रीड करके हम फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले क्या है, हमें द साइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं एस तक. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अगर हम इसको पी क्यू आर माने तो क्यू का बाइसेक्टर ये है
और ये हमारा बाइसेक्टर ये है। अब इसकी हम नेमिंग लिखते हैं फिगर के हिसाब से, पी क्यू आर, और इसको हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एस तक, और दोनों का बाइसेक्टर कहाँ से मिल गया, टी पे। तो ये बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने इसको मान लिया एंगल वन क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये बाइसेक्टर आर टी किसका है, पी आर एस का है, तो इसको हमने एंगल टू और यहाँ से एंगल टू मान लिए। अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं, फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया। फिगर ड्रॉ करने के बाद एक एक स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करना और लिखना है। बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू आर और पी आर एस। पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है हमारा, हम कह सकते हैं क्यू टी, ठीक है। पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है हमारा, क्यू टी, बाइसेक्टर ऑफ, और यहाँ से हम डिस्कशन करते हैं गिवन में, क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, और इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल वन, ऐसा मैंने कहा। सेम एस आर टी बाइसेक्ट एंगल पी आर एस, पी आर एस, और जब बाइसेक्ट किया तो पी आर टी, पी आर टी, टी आर एस, ये वो एंगल टू, मैंने ऐसा मान लिया। और हम अपने प्रूविंग की तरफ चलते हैं। प्रूविंग करने से पहले देखो यहाँ पे हम इस फिगर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अगर हम बात करें इस फिगर की, यहाँ पे क्या था, पी क्यू आर, और यहाँ पे हमारा था एस, था ऐसा। अब इस फिगर को रीड करो तो एंगल वन यहाँ कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, और ये कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ एंगल टू। तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर में पी आर एस कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रेंगल पी क्यू आर पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ए पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, देन हम कह सकते हैं कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर एस होगा। अब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, ये हमारा हो गया क्यू पी आर, और टू टाइम्स ऑफ एंगल टू। क्यू पी आर को हम इसी साइड लीव करके इसको उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, ये कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, टू कॉमन कर लिए, एंगल टू निगेटिव एंगल वन, और इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसका हमें यूज आगे होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्यू पी आर चाहिए, तो क्यू पी आर की वैल्यू ये आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टू को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो हाफ ऑफ क्यू पी आर हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल टू निगेटिव एंगल वन, हम इसको वन मानते हैं, ठीक है, हम वन इसको लेते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या चाहिए, हाफ ऑफ क्यू पी आर चाहिए था। तो एक ट्रेंगल को तो हम सॉल्व कर लिए, अब हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रेंगल की बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट ट्रेंगल हम देखते हैं क्या हमारा क्यू टी आर है, और क्यू टी आर में टी आर एस हमारा क्या है, एक्सटीरियर है। एंगल क्यू टी आर, फिगर फिर से देखिए, हम इस फिगर इस ट्रेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, टी क्यू आर है हमारा, और ये क्या है, ऐसे इसमें टी आर एस कितना है, एंगल टू, और ये कितना है, एंगल वन है, है ऐसा। तो इन ट्रेंगल टी क्यू आर एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। जब टी आर एस एक्सटीरियर हमारा होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो टी आर एस है वह क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, इसके सम इक्वल होगा, और टी आर एस की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल टू, ये क्या हुआ, क्यू टी आर, और ये कितना, एंगल वन। तो क्यू टी आर हमारा कितना हो गया, एंगल टू निगेटिव एंगल वन, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू है
क्यू टी आर की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ क्यू पी आर। ऐसा है, कहाँ से है, फ्रॉम वन से। और हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से प्रूफ हो गया, ऐसा हुआ। इसके बाद इसी दो क्वेश्चंस पे बेस्ड मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए घर से करने के लिए होमवर्क में, है जिसपे एक प्रूविंग और एक सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। जैसे यहाँ पे ना, द साइड ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ बी यू एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी एंड बी सी डी रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट टू, देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करके आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद जैसे मैंने प्रूव किया वैसे आपको क्या करना है, प्रूफ करना। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे, थैंक यू, डेट्स ऑल।